नमस्कार, आप देख रहे हैं मी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप देख रहे हैं मी न्यूज 27। प्रधानाध्यापक की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश, हुई कार्रवाई की मांग। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विद्यालय बंद कर दिया गया है। बच्चों को भोजन के लिए परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार के आदेशानुसार अब उन्हें कच्चा अनाज दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि इस कोरोना के संकट में भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। बच्चे के हक में भी कटौती कर अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। मामला प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत काठघर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबोल का है, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रति छात्र एवं छात्रों को 8 किलो चावल और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को 12 किलो चावल देना है। लेकिन प्रधानाध्यापक अब्दुल बारिक के द्वारा सभी छात्रों को 2 किलो चावल कम दिया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और कहा है कि वितरण करते समय कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी भीड़ होने के कारण 2 छात्र विद्यालय के फर्श में गिरने से उसका सर भी फट गया है। देखने वाली बात तो यह है कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अब्दुल बारिक से पूछने पर साहब कैमरे से बचते निकले। प्राणपुर से संवाददाता गुलाम मुर्तजा की रिपोर्ट।